पहले की सरकारों की नीतियों की वजह से हमारे यहां डॉक्टरों और दूसरे मेडिकल प्रोफेशनल की बहुत कमी रही है। ये कमी भारत में क्वालिटी हेल्थ सर्विस के सामने बहुत बड़ी दीवार थी। इसलिए बीते 9 वर्षों में हमारी सरकार ने मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर और मेडिकल प्रोफेशनल बढ़ाने पर बड़े स्तर पर काम किया है। मैं देश में कहीं भी जाता हूं, उत्तर में, दक्षिण में, नॉर्थ ईस्ट में, पिछले 9 वर्षों में हुए विकास की चर्चा करता हूं तो कुछ लोगों को बहुत परेशानी हो जाती है। ये नई बीमारी है, वो शिकायत करते हैं कि दशकों तक उन्होंने भी देश पर राज किया है, उन्हें क्रेडिट क्यों नहीं मिलता। क्रेडिट के भूखे लोगों और जनता पर राज करने की भावना ने देश का बहुत अहित किया है। नॉर्थ ईस्ट के हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को आज एक नई ताकत मिली है। आज नॉर्थ ईस्ट को अपना पहला एम्स मिला है और असम को 3 नए मेडिकल कॉलेज मिले हैं। आईआईटी गुवाहाटी के साथ मिलकर आधुनिक रिसर्च के लिए 500 बेड वाले सुपर स्पेशलिटी अस्पताल का भी शिलान्यास हुआ है।